श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, हम सभी जानते हैं कि कल बहुत ही खास तिथि है। कल एकादशी का दिन है, साथ ही साथ कल शनिवार का दिन है, यानी कि शनिवार की एकादशी। और शनिवार की एकादशी बहुत ही खास होती है, क्योंकि शनिवार का दिन होता है भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने का, और एकादशी की तिथि होती है भगवान विष्णु को प्रसन्न करने की। जब शनिवार की एकादशी पड़ती है तो हम शनिदेव के निमित्त जो भी उपाय करते हैं, साथ साथ भगवान विष्णु के निमित्त जो भी उपाय हम काले तिल से करते हैं। देखो, काले तिल दोनों को प्रिय हैं, भगवान विष्णु को भी काले तिल प्रिय हैं, उसी प्रकार से शनिदेव को भी काले तिल प्रिय हैं। काले तिल जो है भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए काले तिल का उपाय आपके जीवन से संकटों को, कर्जों को, समस्याओं को दूर करता है। बहुत ही आसान से उपाय हैं। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, और भगवान शिव के यदि आप सच्चे भक्त हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, जैसा हमने आपको बताया कि आज का ये उपाय शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए है, और साथ ही साथ भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए है। आज के इस वीडियो में हम आपको दो उपाय बताएंगे, एक सूर्यास्त के पहले करने वाला है और एक सूर्यास्त के बाद करने वाला है। दोनों में से जो उपाय आपको लगे आप कर सकते हैं, बड़े ही आसान से उपाय हैं, आपकी समस्या निश्चित ही इनसे दूर होने वाली है। देखिए, सबसे पहला उपाय आपको क्या करना है, शनिवार के दिन तांबे का पात्र ले लेना, उसके अंदर जल भरना, और उसी के अंदर 11 काले तिल के दाने डालना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए, ठीक है। अब शनिवार के दिन ये लोटा ले जाना है आपको पीपल के वृक्ष के वहाँ पर। ध्यान रखना, दो लोटे लेकर के जाना, दो लोटे जल लेकर के जाना। बिल्कुल, हम आपको बताएंगे कि क्यों दो लोटे जल लेकर के जाना है। आप क्या करना, सबसे पहले तांबे के पात्र के अंदर जो जल है, जिसके अंदर काले तिल आपने 11 दाने काले तिल के मिलाए हैं, उसको लेकर के आपको पीपल के पेड़ की परिक्रमा करनी है। 3 बार 7 बार आप परिक्रमा करें, परिक्रमा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए करें। और उसके बाद अब आपको क्या करना है, ये जो जल है पीपल के वृक्ष में आपको अर्पित कर देना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए। ये उपाय आपको सूर्यास्त के पहले करना है, ठीक है। जैसे ही आप जल अर्पित करेंगे, उसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है आपको बोल देनी है। पीपल के पेड़ को आज के दिन आप छू भी सकते हैं, क्योंकि शनिवार का दिन है। अब आप क्या करेंगे, जो इस जल से आपने जल अर्पित करा था और साथ में जो एक और लोटा जल लेकर के आए हैं, उस लोटे का जल भी इस वाले लोटे में आपको डाल देना है। देखो, वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जिस लोटे से आपने पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करा था उसी लोटे में वापस से जल भरना है, और उसके बाद ये जो जल है भगवान शिव के मंदिर में लेकर के जाना है। ध्यान रखें, यदि आपको पीपल के पेड़ के वहाँ पर नीचे घिरा हुआ पत्ता अगर मिल जाता है तो उसको उठा करके शुद्ध जल से धो करके उसका उपयोग कर सकते हैं, या तो आप आज के दिन पीपल का पत्ता भी तोड़ सकते हैं। क्या करना है, एक पीपल का पत्ता लेकर के जाना है, और उसी पीपल का पत्ता लेकर के जाना जिस पीपल के वृक्ष में आपने जल अर्पित करा है। आ गई आपको बात समझ में? अब आपको ये लेकर के जाना है भगवान शिव के मंदिर में। आपको कर्ज बार बार लेना पड़ रहा है, घर में समस्या ऐसी उत्पन्न हो रही है कि कहीं ना कहीं से आपके जो खर्च हैं वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं खर्चा हो जा रहा है। तो आपको क्या करना है, ये जो पीपल का पत्ता है ये आपको शुद्ध जल से साफ करके आपको महादेव के मंदिर में ले जाना है, और साथ में जो तांबे के पात्र के अंदर जल भरा था वो भी आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के जाना है, साथ में 11 काले तिल के दाने भी लेकर के जाना है। अब काले तिल के दाने जो हैं वो आपको शनिश्चर महादेव का स्मरण करते हुए ओम शनिश्चर महादेवाय नमः, ओम शनिश्चर महादेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करना है 11 बार, और 11 काले तिल के दाने जो हैं जल के पात्र के अंदर डाल देना है। अब ये जो पीपल का पत्ता है आपको शनिदेव का स्मरण करना है, शनिदेव का स्मरण करना है, जीवन से कष्ट संकट बाधा को दूर करने की प्रार्थना करना है, और ये पीपल का जो पत्ता है महादेव के ऊपर आपको अर्पित कर देना है। चिकना वाला साइड नीचे की साइड होना चाहिए, भगवान शिव को स्पर्श होना चाहिए, और डंडी का जो हिस्सा है वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए, और उसके बाद जो एक लोटा जल लेकर के आए हैं वो भगवान शिव के ऊपर, जहाँ पर आपने पत्ता रखा है पीपल का, उसी के ऊपर आपको पीपलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको ये अर्पित कर देना है। आपके जीवन के संकट दूर होंगे, आपके जीवन की बाधा दूर होगी, आपके जीवन में जो भी कर्ज से जुड़ी समस्या होगी वो भी इस उपाय से दूर होने वाली है। आपके जीवन से संकट दूर होंगे और बाधाएं दूर होगी, ये बहुत ही आसान सा उपाय है, ज़रूर इस उपाय को आपको करना है। देखो, ये हो गया पहला उपाय, जो कि आपको सूर्यास्त के पहले करना है, क्योंकि सूर्यास्त के पहले ही आप पीपल के वृक्ष में जल अर्पित कर पाएंगे, ठीक है। अब सूर्यास्त के बाद, यदि आप सूर्यास्त के पहले ये उपाय नहीं कर पाते हैं तो सूर्यास्त के बाद आप क्या करना, मात्र 2 दीपक तैयार करना है आपको। दोनों दीपक में आपको गोल बाती लगानी है, क्योंकि एक भगवान विष्णु के निमित्त लगाएंगे और एक भगवान शिव के निमित्त लगाएंगे, इसीलिए दोनों में गोल बाती का प्रयोग करना है। ये 2 दीपक आप आटे के भी बना सकते हैं, या तो आप माटी के दीपक भी ले सकते हैं।
एक दीपक में 11 काले तिल के दाने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए ये जो दीपक है पीपल के वृक्ष की जड़ में आपको अर्पित करके आ जाना है। ये भगवान विष्णु के निमित्त है, ध्यान रखना। अगर माता लक्ष्मी के निमित्त लगा रहे होंगे ना तब आपको लंबी बाती का उपयोग करना रहता है। हम ये भगवान विष्णु के निमित्त लगा रहे हैं क्योंकि भगवान विष्णु की ही तिथि है एकादशी। तो आप ये पीपल के वृक्ष में अर्पित करके आ जाएं। और दूसरा जो दीपक है वो आप महादेव के मंदिर में चौखट के वहाँ पर भी अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मंदिर के अंदर भी भगवान शिव के सामने भी ये दीपक अर्पित कर सकते हैं। इसके अंदर काले तिल डालना है, 11 काले तिल, शरीश्चर महादेव का नाम स्मरण करते हुए। बस इतना सा उपाय करना है। ये उपाय आपके जीवन से समस्या, कर्ज, विपदा को दूर करता है। बहुत ही आसान सा उपाय है। एकादशी के दिन आप दोनों में से जो उपाय आपको लगता है आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।